चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुना दिया है और उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। प्रचार के सवाल पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। वहीं ईडी ने न सिर्फ अंतरिम बेल का विरोध किया बल्कि पूरक चार्जशीट दाखिल कर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर रखा था। ईडी केजरीवाल को शराब घोटाले का मुख्य किरदार बता रही थी। वहीं दिल्ली शराब घोटाले में आज एक और अहम सुनवाई हुई। के कविता की जमानत मामले में हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। दिल्ली की विवादित आबकारी नीति और इससे जुड़े धन शोधन मामले में के कविता की जमानत अर्जी निचली विशेष अदालत खारिज कर चुकी है। उसी आदेश को कविता ने हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ईडी की दलीलें मानते हुए कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया। अब कविता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती होगी। उधर अरविंद केजरीवाल की जमानत मिलने के बाद तमाम दलों की तरफ से और नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दिए जाने के फैसले का स्वागत करता हूं। नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये बड़ा फैसला है। इंडिया समूह का न्याय युद्ध जारी है। असली जीत 4 जून को इस संविधान विरोधी सरकार को उखाड़ कर होगी। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत मिलने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हम अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत देने में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी उनका हक मिलेगा। अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में होने वाली सभी संकल्प सभाएं रद्द कर दी हैं। अब पार्टी उनकी रिहाई के बाद नई प्रचार योजना बनाएगी और जल्द इसका ऐलान किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम के अनुसार उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि जेल एसपी के पास जमानत बॉन्ड दाखिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना है और क्या शर्तें तय करनी है। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिलने पर केजरीवाल के वकील ट्रायल कोर्ट में जाएंगे। फिर ट्रायल कोर्ट में बेल बॉन्ड भरा जाएगा, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट रिलीज ऑर्डर तैयार करके तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजेगा। ट्रायल कोर्ट का रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही अरविंद केजरीवाल को जेल प्रशासन रिलीज करेगा। तिहाड़ जेल में रोजाना जितने भी रिलीज ऑर्डर आते हैं उसका निपटारा लगभग 1 घंटे में हो जाता है। जमानत याचिका पर दिए गए फैसले का आदेश अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल की बेल पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा, 1 जून तक बेल, 2 जून को सरेंडर करना है। यह भी ओरली बोला गया है। अभी ऑर्डर अपलोड होने के बाद उसे देखना पड़ेगा कि उसमें क्या और है। हमारी पूरी कोशिश है कि क्या आज ही अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो जाएंगे। बहरहाल बात जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि लोकसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में एक नई जान सी आ गई है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां करते हैं और चुनावी सभा में अधिक से अधिक हिस्सा लेकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाते हैं। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल के सामने जो बीजेपी विपक्षी पार्टी है पूरे देश भर में अरविंद केजरीवाल के लिए उसके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करती है और कैसे इसे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरती है। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए TNV, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें।